डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम की फिल्म को लेकर विरोध लगातार जारी है। पंजाब के बाद हरियाणा में फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठने लगी है। फिल्म को लेकर जहां विभिन्न संगठन विरोध कर रहे हैं, वहीं हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा एवं कमेटी के अन्य पदाधिकारियों ने हरियाणा राजभवन में आकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। झिंडा ने कहा कि फिल्म अगर हरियाणा में रिलीज होती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। झिंडा ने कहा कि संत गुरमीत राम रहीम फिल्म के जबरदस्त विरोध के बाद भी फिल्म रिलीज करवाने की जिद पर अड़े हैं, जबकि संतों का स्वभाव ऐसा नहीं होता। आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों हरियाणा के गवर्नर साहब नूं मंग पत्र दिता गया है कि जो डेरा मुखी बाबा राम रहीम ने अपनी फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड बनाई है, उस फिल्म ते हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नूं सख्त एतराज है। उहदा कारण एक है कि बाबे ने अपना नाम ये अवतारी पुरशां दे नाम उत्ते रख्या होया है, जिहदे च उहने अपने नाम दे नाल राम रहीम इंशा सिंह लगा के एक कोशिश कीती है लोगां दे विच दसण दी कि मैं चौवां धर्मां दा गुरु हाँ, चौवां धर्मां दा सांझा प्रचार करन वाला हाँ। ये बाबे ने फिल्म बना के एक्टिंग बनावटी एक्टिंग करके ते अपने आप नूं ये प्रचार धर्म प्रचार करन दा जो इन्हें उपराला किया है उहदे ते सानूं सख्त इतराज है। आपां इक लैटर लिख के बाबा जी नूं पुछिया है कि बाबा जी तुसीं पहलों क्लीयर करो कि तू एक संत है या एक्टर। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।